हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी, आलू और लौकी की। हम बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे बनाने के लिए हम ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे। और इसे आप अपनी पसंद की रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो इसे बनाने के लिए हमको चाहिए लौकी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लौकी को अच्छे से छील के, धुल के, साफ़ करके और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही मैंने एक आलू लिया है, इसे भी साफ़ करके और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ हमको चाहिए हरी धनिया, इसे मैंने बारीकी से काट लिया है। दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं। अदरक और लहसुन को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन। इसके साथ ही 2 टमाटर को भी मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। मिर्ची बारीक काट ली है मैंने। और नमक चाहिए हमको स्वाद के अनुसार। यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा और पिंच भर हींग ले ली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने कुकर लिया है, हम ये सब्ज़ी हम कुकर में बना रहे हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाएगी। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पे जीरा और हींग डाल देंगे। हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया था, उसके बाद में जीरा और हींग डाला। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी है और अदरक और लहसुन डाल दिया है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कद्दूकस करके लिया है, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। और इन्हें हम मैंने 1 मिनट तक भून लिया। और फिर अब हम प्याज डाल देंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे से, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक हमें एकदम अच्छे से पकाना है। इस सब्ज़ी में आप मसाले और टमाटर, प्याज को जितना ज़्यादा अच्छे से भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप सारे मसालों को एकदम बहुत ही अच्छे से भून रहे हो। तो आप देख सकते हो प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, मैंने इसे 3-4 मिनट भून लिया था। अब मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भून लेना है ताकि ये चिपके ना, और अच्छे से हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हो ये तेल छोड़ने लगा है टमाटर, मतलब कि ये अच्छे से भून चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमने मसाले लिए थे उसे भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी मसाले को डाल दिया है, इसके साथ ही हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इन सभी को हम एकदम अच्छे से, जब तक मसालों से तेल अलग ना होने लगे तब तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। ध्यान रखें मसाले जलने नहीं चाहिए वरना पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें, एकदम अच्छे से इसे भून लें। और आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम अच्छे से मसाले भून गए हैं, तेल अलग हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे लौकी जो हमने काट के ली थी, और इसके साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। और इन सभी को मसालों में 2-3 मिनट तक एकदम अच्छे से भून करके तैयार कर लेंगे। आप लौकी और जो आलू है इसे मसालों में अच्छे से भून लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तो इसे बस चलाते हुए मीडियम फ्लेम रखा है यहाँ पर मैंने, मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2-3 मिनट तक पका लेंगे। और आप बीच बीच में इसे चलाते रहें, ऐसे ही नहीं छोड़ना है वरना फिर ये जल जाएगा तो हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपको मन हो, जैसे भी आप ग्रेवी पसंद करते हो उतना आप पानी डाल दीजिए। तो अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, अगर थोड़ी नॉर्मल चाहिए तो आप कम पानी डालिए। उसके बाद में हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2.5 कटोरी के करीब पानी डाला था और ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं हुआ है। नमक भी मैंने डाल दिया है और थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद में अब हम कुकर में ढक्कन लगा कर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे, जब तक कि आलू और लौकी अच्छे से पक जाए। तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है, सीटी आ चुकी है। उसके बाद में कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बन करके रेडी है, एकदम बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनी है। और जब ये और ठंडी हो जाएगी तब ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी है। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको हरी धनिया से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इसे धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दीजिए और लीजिए, बस तैयार है हमारी बहुत ही अच्छी टेस्टी मज़ेदार सब्जी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। और वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।